नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और आज हम बात करेंगे पांच ऐसे बड़े खिलाड़ी जिनको इस आईपीएल नहीं खरीदा गया। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सबसे बड़े खिलाड़ी जिन्हें इस आईपीएल नहीं खरीदा गया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है एरन फिंच। एरन फिंच 1 करोड़ की बेस प्राइस के साथ शुरुआत हुई इनकी और किसी ने खरीदा तक नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में इनका खराब प्रदर्शन। अगर आईपीएल मैच की बात करें तो 87 मैचों में 2015 रन बनाए हैं 127 के स्ट्राइक रेट से, जो कि इतना अच्छा नहीं है जितना आईपीएल के हिसाब से होना चाहिए। तो चलिए दूसरे सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करते हैं तो वो है वेस्टइंडीज के सेल्डन कोटनेल। पिछले साल 8 से 9 करोड़ में बिके थे ये। 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ इस साल नीलामी में उतरे थे, मगर निराशा ही हाथ लगी। किसी फ्रेंचाइजी ने इन्हें खरीदा तक नहीं। पिछले साल 6 मैचों में 6 विकेट निकाले थे, 8.8 का इकॉनमी था इनका, इसके बावजूद इनका खराब प्रदर्शन था। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े खिलाड़ी की। तीसरे बड़े खिलाड़ी है बांग्लादेश के मिसफुकुर रहीम। इनकी कहानी थोड़ी अजीब है। इन्हें 13 सालों से आज तक किसी ने नहीं खरीदा। इस साल 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ इनकी शुरुआत हुई थी, मगर इन्हें किसी ने नहीं खरीदा। चौथे बड़े खिलाड़ी है जेसन रॉय, जो कि 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ शुरुआत हुई थी इनकी, मगर किसी ने खरीदा तक नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है इनका प्रदर्शन। 8 मैच में 179 रन 133 के स्ट्राइक रेट, जो कि आईपीएल फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं। पांचवा और आखिरी बड़ा नाम है मोहित शर्मा, जो कि सीएसके के टीम में महेंद्र सिंह धोनी के दाहिने हाथ कहलाते हैं। 50 लाख की बेस प्राइस रखी थी इनकी। एक समय में अच्छे खासे दाम में बिके थे ये, पर 2-3 सालों में इनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और दूसरी इनकी उम्र को भी लेकर उठे थे सवाल। तो दोस्तों ये थे 5 बड़े ऐसे खिलाड़ी जिनको इस आईपीएल किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। कुछ के प्रदर्शन तो कुछ के उम्र को लेकर किसी भी टीम में इन्हें जगह नहीं मिली। ऐसे ही आईपीएल से जुड़े बड़ी खबरों के लिए हमारे बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को। धन्यवाद।